हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज जो हम लोग ऐप बनाने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि डेट पिकर डायलॉग बॉक्स का क्या एप्लीकेशन है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मोबाइल दिख रहा है और इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने जो है डेट पिकर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहां पर आप जो भी डेट पिक करेंगे वो आपका उस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। जैसे मैंने जनवरी 2019 लिया है और उसमें मैं 17 जनवरी 2019 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है मेरे टेक्स्ट बॉक्स में आ चुका है 17/1/2019। तो इस तरह के हम लोग ऐप डिजाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई ऐप बनाते हैं तो जनरली इस तरह के एप्लीकेशंस आपको डालने पड़ते हैं अपने ऐप में, चाहे वो डेट पिकर हो चाहे टाइम पिकर हो, और वो आपको जरूरत पड़ता ही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एम्प्टी एक्टिविटी ले लेता हूँ, उसके बाद मैं एप्लीकेशन का अपना नाम दे देता हूं। मैं लिखता हूं माई डेट पिकर वन और उसके बाद मैं इसे फिनिश कर देता हूं। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो मिनिमम एपीआई लेवल है यहां पर कम से कम आप जो है 22 या 24 रखिएगा। मैं यहां पर एपीआई लेवल जो है 24 कर देता हूं, क्योंकि ये जो डेट पिकर डायलॉग बॉक्स है या जो टाइम पिकर डायलॉग बॉक्स है ये जो है मिनिमम जो एपीआई सपोर्ट करते हैं 22-24 करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर एपीआई 24 कर दीजिएगा। फिर हम इसे फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, नीचे का विंडो क्लोज कर देता हूँ और मैं एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में आता हूँ। तो यहाँ पर हमें कोई खास डिजाइन नहीं करना है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक जो है प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ, जिसपे मैं क्लिक करके डेट सेट करूँगा। तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ मैसेज शो करने के लिए कि सेट योर डेट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से बड़ा कर देता हूँ और इसके मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाता हूँ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, और यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ सेट योर डेट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद साइज में मैं जाता हूँ, टेक्स्ट साइज में, टेक्स्ट साइज को मैं 24 dp कर देता हूँ। अलाइन में जाके मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं सेंटर में आ चुका है। फिर मैं यहाँ पर स्टाइल में जाता हूँ और स्टाइल में, टेक्स्ट स्टाइल में मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोल्ड हो चुका है। फिर उसके बाद ये जो हमने एडिट टेक्स्ट लिया है, इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर ब्लैंक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इस पर कंस्टेंट लगाना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस पर मैं नीचे का कंस्टेंट लगा देता हूँ और उसके बाद इसमें मैं ऊपर का कंस्टेंट अभी हटा देता हूँ, नीचे का कंस्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पर। तो नीचे का लग चुका है। अब इसका कंस्टेंट मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ और इसका कंस्टेंट मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से हमारा जो है स्क्रीन आएगा। अब हमें मेन काम जो करना है वो हमें जो है मेन एक्टिविटी डॉट जावा में करना है। तो मैं यहाँ पर फिर से मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आ जाता हूँ और जैसे आपको जानते हैं कि जो भी हमने वहाँ पर कंट्रोल यूज किया है उसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या यूज करना है, डेट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट एंटर कर देता हूँ तो ये हट गया। अब हमें क्या करना है, डेट यूज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डेट पिकर डायलॉग। तो जैसे आप डेट पिकर डायलॉग लिखेंगे तो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट बना लें डेट पिकर के नाम से। तो मैं डेट पिकर के नाम से ही यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया डेट पिकर के नाम से, क्योंकि अगर आपको डेट वगैरह के साथ काम करना है, क्योंकि वो जो डेट पिकर डायलॉग जो मैंने आप शुरू में दिखाया था, जो कि मैं एडिट बॉक्स में क्लिक करने पे आया था, तो वो तभी आएगा जब आप डेट पिकर डायलॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद चूंकि यहाँ पर हमें कैलेंडर के साथ काम करना है तो यहाँ मुझे कैलेंडर का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ कैलेंडर का ऑब्जेक्ट बना लिया हूँ। तो यहाँ पर जाके मैं ऑल्ट इंटर करता हूँ और जावा डॉट यूटिल वाला आप सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरर हमारा जा चुका है। उसके बाद
हमें मंथ, ईयर और डे स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल चाहिए। तो ईयर MON डे, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से तीन वेरिएबल ले लिया, क्योंकि आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होगा। उसके बाद जो हमने एडिट बॉक्स बनाया था उसको मैपिंग करना पड़ेगा, तो मैं उसको मैपिंग कर लेता हूँ एडिट टेक्स्ट के साथ। फाइंड व्यू बाय आईडी, उसके बाद किसके साथ हमको करना है, आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेक्स्ट, ऊपर ही लिखा रहा है एडिट टेक्स्ट, तो उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे कैलेंडर का इंस्टांस भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं कैलेंडर, ये हमारे पास है ही, इक्वल टू कैलेंडर, तो मैं कैलेंडर डॉट गेट इंस्टांस, ये आपको करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जिससे कि कैलेंडर के सारे प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। अब आपको क्या है कि सपोज दैट करेंट ईयर आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा ईयर जो वेरिएबल हमने लिया था, और उसके बाद ये कैलेंडर का ऑब्जेक्ट डॉट गेट, गेट मेथड से जो है आप ईयर, फिर जाके मंथ या फिर डे ऑफ मंथ, ये सब चीजों को निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कैलेंडर डॉट और ईयर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईयर लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद आप क्लोज कर दें, तो ईयर जो ईयर आपका वेरिएबल है उसमें आपका करेंट ईयर आ जाएगा। उसके बाद मंथ के लिए हमने MON लिया है, फिर वही करेंगे हम, कैलेंडर ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट गेट, और उसके बाद कैलेंडर, फिर उसके बाद डॉट मंथ, तो मंथ आप कैपिटल में लिखेंगे, तो यहाँ पर आप जो है मंथ आपका MON में आ जाएगा। उसके बाद डे, डे के लिए फिर से हम कैलेंडर डॉट गेट और फिर कैलेंडर डॉट, यहां पर आपको डे के लिए लेना पड़ेगा डे ऑफ मंथ, तो यहां पर आप देख रहे हैं डे ऑफ मंथ आ रहा है, तो इसको आप ले ले, तो ये आपका जो करेंट जो ईयर है, मंथ है, डे जो है वो आ चुका है। तो यहां पर हम करेंट ईयर, मंथ और डे क्यों ले रहे हैं, ताकि जैसे ही आप जो है एडिट बॉक्स में क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप एडिट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, ये जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो आपका करेंट, जो करेंट डेट होगा उसी को वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो चूंकि आज का हमारा जो करेंट डेट है 31 मार्च 2019 है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जब हम इसको रन करेंगे तो 31 मार्च आएगा, ठीक है। ये जो मैंने रन किया था इसमें 30 मार्च इसलिए आ रहा है, क्योंकि ये जो मैंने ऐप डाला था बनाने के बाद, वो मैंने कल डाला था, इसलिए 30 मार्च आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि उस एडिट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने पे आपका है, तो उसके लिए ऑब्वियसली जैसे मैंने बाकी वीडियो में बना रखा है, आपको सेट ऑन क्लिक लिसनर आपको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको न्यू, और उसके बाद व्यू, तो जैसे मैंने आपको बताया था व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर आपको करना है, ठीक है। तो ये जैसे कि आपने देख रहे हैं कि ऑन क्लिक मेथड आपके सामने आ चुका है, मतलब अब एडिट बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, तो आप क्लिक करने के बाद क्या करना चाहेंगे कि जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो सबसे पहले खुल के आ जाए। तो डेट पिकर, तो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेट पिकर इक्वल टू न्यू, क्योंकि अभी हमने केवल ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डेट पिकर डायलॉग, न्यू ऑपरेटर से डेट पिकर डायलॉग, उसके बाद कहां पर ये शो होगा, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, जो मेन एक्टिविटी है उसी के ऊपर ये शो होगा, तो मैंने लिख दिया मेन एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा न्यू, फिर डेट पिकर डायलॉग, ठीक है, डेट पिकर डायलॉग, फिर डॉट ऑन डेटा सेट लिसनर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। केवल आपको डेट पिकर डायलॉग सेलेक्ट नहीं करना है, ये जो ऊपर आ रहा है डेट पिकर डायलॉग डॉट ऑन डेट सेट लिसनर, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब कोई डेट सेट करे के बाद क्या होगा। तो कभी जैसे मान लिया किसी यूजर ने डेट सेट किया, ठीक है, तो सेट कर दिया कि 26 मार्च 2019, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा एडिट बॉक्स है उसमें लिखा आना चाहिए 26/03/2019। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ईटी डॉट सेट टेक्स्ट, तो मैं क्या लिखूंगा ईटी डॉट सेट टेक्स्ट, पर क्या मैं सेट करूंगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आ रहा है इंट ईयर, इंट मंथ और इंट डे ऑफ मंथ, ये तीनों वेरिएबल ही आपको वो ईयर मंथ और जो डे देगा जो यूजर ने सेट किया है करेंटली,
ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें ये वाला ईयर मंथ और डे नहीं देना है, यहां पर जो ऑन डेट सेट मेथड में जो ये ईयर मंथ और डे ऑफ मंथ आ रहा है ये देना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ईयर, फिर ईयर लिखने के बाद क्या आना चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, फिर मैं प्लस, उसके बाद फिर मैं मंथ डिस्प्ले करूंगा, नहीं पहले मैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से मैं डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, मैं पहले डे ऑफ मंथ पहले डिस्प्ले करता हूँ, उसके बाद मंथ करता हूँ, और फिर प्लस, और उसके बाद फिर से फॉरवर्ड स्लैश, और लास्ट में मैं यहाँ ईयर डिस्प्ले करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हम लास्ट में ईयर डिस्प्ले करते हैं। तो ये आ चुका है, पर यहां पर जब आप देखेंगे कि ये क्यों एरर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको कुछ पैरामीटर और देने पड़ेंगे, क्या यहां पर इस पैरेंथेसिस के पहले, ठीक है, क्या देने पड़ेंगे, ईयर कोमा मंथ कोमा और डे, और उसके बाद तब आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों दिया, क्योंकि ये जो डेट पिकर ले रहे हैं डायलॉग, ये इसी का पैरामीटर है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक पैरामीटर है, फिर ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, कि जब ये डेट पिकर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसमें कौन सा डेट दिखेगा, उसमें कौन सा मंथ दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो करेंट ईयर और जो करेंट मंथ और करेंट डे जो हमने लिया था यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, ताकि पहले जब कैलेंडर आपका आए तो आपका करेंट डेट दिखे, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब हमारा सारा काम हो चुका है, अब केवल मैं डेट पीकर डॉट सो, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, डेट पीकर डॉट सो जो हमारा डायलॉग बॉक्स है उसको मैं शो कर दूंगा। तो यहां पर ये सारा कोडिंग लिखाया जा चुका है, अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग फिर से रन करेंगे, तो यहां पर चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर से कोड को हम लोग दोबारा समझते हैं। पर मैं एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका साइज मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैंने लिखा साइज, और इसका साइज मैं 30 dpi कर देता हूँ, ताकि जब ये डिस्प्ले हो तो प्रॉपर साइज में हो, और उसके बाद स्टाइल में मैं जाके इसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट आए तो वो आपको अच्छे तरीके से शो हो। चलिए मैं फिर इसको रन करता हूँ, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, और सेट योर डेट यहाँ पर मैसेज आ रहा है, और एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अब जैसे ही हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो डेट पिकर डायलॉग है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं मेरा डेट पिकर डायलॉग जो है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपको करेंट डेट दिख रहा है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 31 मार्च से जो को बना रहा हूँ, जो कि आज संडे है 2019, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल करेंट डेट डिस्प्ले हो रहा है। पर आपको जो भी डेट सेलेक्ट करना है, जैसे सपोज डेट की आपने ये कॉलम डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाया, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या ज्वाइनिंग डेट के लिए आपने बनाया, तो जो भी आपको डेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं जनवरी में जाके 23 जनवरी में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने 23 जनवरी सेलेक्ट किया और ओके किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 23/0/2019 आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जीरो क्यों आ रहा है जबकि 1 आना चाहिए। तो ये एक जो है चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोडिंग करने के टाइम में, कि ये जो मंथ आपको दे रहा है, यहाँ पर जो ये मंथ आप देख रहे हैं, ये मंथ क्या है, आपका जीरो से ये स्टार्ट करता है। अब ये एंड्रॉइड इसको जीरो से क्यों स्टार्ट करता है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इसे 1 से करना चाहिए, पर ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है। जैसे आप अगर फरवरी लेंगे तो 1 दिखेगा, मार्च लेंगे तो 2 दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि हमें तो आपको हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, मंथ प्लस 1 कर देना है, ये ध्यान रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने प्रोग्राम बना लिया और फिर आप परेशान हो रहे। तो यहां पर आपको करना है मंथ प्लस 1। तो चलिए हम लोग फिर से इसको जो है रन करते हैं। रन करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमने रन किया था इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम लोग फिर से रन करते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर गया और मैं ओके कर रहा हूँ, और अब हम लोग देखते हैं कि हमारा एक जो है रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से हमारा जो है रिजल्ट आ चुका है, सेट योर डेट, और मैं यहाँ पर चलिए फिर से डेट सेट करता हूँ, और फिर से मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं बिल्कुल करेंट डेट दिख रहा है। अब मैं फिर से वही 23 जनवरी को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैंने 23 जनवरी सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं अब सही आ रहा है 23/1/2019, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मैं 13 मार्च सेलेक्ट करता हूं तो आप देख रहे हैं 13/3/2019 आ रहा है,
और उसी तरह आप आगे के डेट भी सिलेक्ट करेंगे तो इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे डेट पिकर डायलॉग हम यूज करते हैं। ये जो जीरो आ रहा था इसको मैं जानबूझकर दिखाया ताकि आपको पता चले कि ये चीजें हो सकती है और बाद में आप परेशान ना हो। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मंथ लिखने के बाद ये जो मंथ आ रहा है उसको डायरेक्ट मंथ नहीं लिख के मंथ प्लस वन लिखना है। तो चलिए एक बार हम लोग जो है फिर से पूरे प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक एडिट बॉक्स लिया है और एक सिंपली मैसेज दिखलाने के लिए सेट योर डेट मैंने कैप्शन के साथ टेक्स्ट व्यू लिया है। यहाँ पर मैंने एडिट टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। डेट पिकर डायलॉग का तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा अगर आप डेट में काम करना चाहते हैं, और एक कैलेंडर का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि आप कैलेंडर यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप एडिट टेक्स्ट का जो है आप मैपिंग करेंगे जो भी आपके XML फाइल में जो एडिट टेक्स्ट है उसके साथ, फिर कैलेंडर का एक इंस्टांस बनाएंगे, फिर कैलेंडर से ईयर मंथ और डे ऑफ मंथ को हम ले लेंगे। यहाँ पर जो करेंट, यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, करेंट ईयर, करेंट मंथ और करेंट डे। उसके बाद हम जो है अपने एडिट टेक्स्ट पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे क्योंकि हम डेट कब सेट करना चाहते हैं, जब हम एडिट बॉक्स में क्लिक करें। अब जैसे हम ऑन क्लिक में आएंगे वहां पर मुझे डेट पिकर डायलॉग के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, जिसमें हमें सबसे पहले देना पड़ेगा कि ये डायलॉग कहाँ डिस्प्ले होगा। तो वो हमारे मेन एक्टिविटी में ही डिस्प्ले होगा। तो जब भी मेन एक्टिविटी में डिस्प्ले होता है तो हम लिखते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस, या फिर और कोई अदर एक्टिविटी में डिस्प्ले होगा तो उस एक्टिविटी का नाम डॉट दिस। उसके बाद डेट पिकर डायलॉग में फिर से एक लिसनर लगेगा, डेट सेट लिसनर, कि अगर कोई यूजर डायलॉग बॉक्स तो खोल लिया, फिर जब उसमें डेट सेट करेगा तो क्या होगा। तो डेट सेट करने के बाद क्या होना चाहिए, जो हमारा एडिट बॉक्स है उसमें डिस्प्ले होना चाहिए कि जो भी हमारा डेट है वो इंडियन फॉर्मेट में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तीनों वेरिएबल जो यहाँ पर आ रहे हैं ईयर मंथ और डे ऑफ मंथ को, उसको इंडियन स्टाइल में हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद ये जो डेट पिकर डायलॉग बॉक्स का जो कंस्ट्रक्टर आप यूज कर रहे हैं उसमें लास्ट में आपको ईयर मंथ डे लिखना पड़ेगा कि आप करेंट मतलब जब डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो उसमें कौन सा डेट दिखेगा। तो ऑब्वियसली हर एक कोई चाहेंगे कि करेंट डेट ही दिखे, तो उसके लिए हमने ईयर मंथ और डे ले लिया है और ऑलरेडी ईयर मंथ और डे में जो है हमारा करेंट ईयर, करेंट मंथ और करेंट डे है। उसके बाद डेट पिकर डॉट शो कर देंगे। ये आप ध्यान रखिए, ये जो क्लिक लिसनर है, ये जो आप देख रहे हैं क्लिक लिसनर है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, और ये जो डेट पिकर डायलॉग है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका खत्म जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।